प्रस्तावना। एक पल के लिए खुद को भूल जाओ कि तुम कौन हो। सबसे ज़रूरी बात अपनी पहचान के पीछे छोड़ते हुए खुद को हर ख्याल से खाली कर लो और थोड़ी देर के लिए सिर्फ मुझे जी लो। मुझे ज़िंदगी से कभी कुछ नहीं चाहिए था, अगर मैं ये कहता हूँ तो वह झूठ होगा। दरअसल वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा झूठ होगा। मेरी हमेशा से खूब सारी इच्छाएँ रही है। हाँ, यह अलग बात है कि मुझे अक्सर इन इच्छाओं को जाहिर करने के लिए शब्द नहीं मिल पाते। कभी मेरी आवाज़ धोखा दे देती तो कभी मेरा दिल भारी हो जाता। लेकिन ज़िंदगी में आखिर मैं चाहता क्या हूँ, मैं आज भी नहीं जानता। इसलिए मुझे जो चाहिए था और जिसकी मैं आज भी ख्वाहिश रखता हूँ, उसके बारे में मैं आज सब बताऊँगा। आज मैं सच कहूँगा तुमसे, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी खुद से। मैं जीना चाहता हूँ। हाँ, मुझे एक ही ज़िंदगी में कई ज़िंदगियाँ जीनी है। मैं अपने बारे में लिखना चाहता हूँ और हर उस इंसान के बारे में लिखना चाहता हूँ जिससे मैं कभी मिला हूँ। उस ज़िंदगी का सार लिख देना चाहता हूँ जिसे वास्तव में जीना कहते हैं। उन तमाम खुशनुमा और दर्द भरी कहानियों को पढ़ना चाहता हूँ जो आज तक लिखी गई है, और उनकी तारीफ करने के काबिल बनना चाहता हूँ। इस उम्मीद से मैं कुछ सीख पाऊँ और कुछ सिखा पाऊँ। मैं सीखना और सिखाना चाहता हूँ, हाँ दोनों, क्योंकि मैं ज़िंदगी बदल देने वाले ऐसे कई मोड़ से गुजरा हूँ जिन्हें बांटने और समझने की ज़रूरत है। और अभी भी मेरे पास सीखने के लिए जीवन बदलते अनुभव और सबक है। जो भी मेरे पास है मैं वो सब बांट देना चाहता हूँ। मैं यही करना चाहता हूँ और फिर से एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ। खुद को याद दिलाना चाहता हूँ कि फिर शुरू करने का क्या मतलब होता है। ज़िंदगी की शुरुआत मोड़ पर जाने का मतलब क्या होता है। मैं अच्छा खाना और अच्छा पहनना चाहता हूँ, एक बढ़िया गाड़ी और उससे भी बढ़िया घर चाहता हूँ। मुझे शान शौकत और रुतबा चाहिए, हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ चाहिए। मैं अकेला होते हुए सबसे जुड़ा रहना चाहता हूँ, अकेला लेकिन किसी के साथ। मैं एक ही समय पर सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मौत मुझे चाहे लेकिन वो मुझे ले जा ना सके। मैं चाहता हूँ वो तब आए जब मेरी सारी ख्वाहिश सारे सपने पूरे हो जाए। मैं चाहता हूँ कि मौत को मेरी उस संपन्न आत्मा की ख्वाहिश हो। मुझे ये सब चाहिए, धीरे धीरे ही सही पर क्रमबद्ध ढंग से और पक्के तौर से। पर क्या ये सब संभव है? क्या एक इंसान एक ज़िंदगी में यह सब हासिल कर सकता है? मैं नहीं जानता, पर जानना ज़रूर चाहता हूँ। 4 साल पहले, Chapter 1, सौर्य, जयपुर। अपने पेरेंट्स और अपने सपनों के बारे में बताने को लेकर मैं बहुत खुश था। मेरी मम्मी हमेशा से एक नर्म दिल और प्यारी महिला रही है, दुबली पतली। पापा और मुझसे कई छोटी पर हमेशा मुझे हौसला देने वाली, अक्सर अपनी खुशी से बढ़कर मेरी ख्वाहिश को ऊपर रखती। घर का काम, खाना बनाना और मेरी देखभाल से मानो उनकी ज़िंदगी थी। उनकी मुस्कुराहट मुझे हमेशा राहत दे जाती थी, और अपने पति और मेरे पापा के विपरीत वो अंधेरी सुरंग के पार नज़र आती एक रोशनी की तरह थी। अपनी प्यार भरी गरमाई से वो पुचकार कर किसी भी बच्चे की तकलीफ दूर कर देती थी और बदले में किसी थैंक्स की भी उम्मीद नहीं रखती थी। जहाँ तक पापा की बात है, वो तन और मन दोनों से ही पारंपरिक नज़र आते थे। उन्हें पूरा यकीन था कि वो अपने दिल से चीज़ें निकलवा सकते हैं, लेकिन उनकी खासियत आपको आपके फैसले से डिगा देने में थी। अपनी पसंद और कामों में उनका समर्थन ना मिलना मुझे बहुत तकलीफ़ देता। आंखें, जब भी मुझे उनकी गहरी भूरी आंखें जब मुझे घूरती तो लगता था कि मेरा पेट गुड़गुड़ा कर फर्श के ठंडे मलबे पर पलट जाएगा। उनका मुंह इस ढृंढता से हिलता कि मुझे बार बार अपने फ़ैसलों के बारे में सोचना पड़ता। मैं जानता था
कि ये मेरे भविष्य की चिंता करने का उनका तरीका था, लेकिन उनके सवाल मेरे रचनात्मकता कल्पना को छलीनी कर लेकिन उनके सवाल मेरे रचनात्मकता कल्पना को छलनी कर देते थे। उनके शब्द दो ही तरीके से उनके मुंह से निकलते थे, किसी ऑफिसर की तरह या फिर किसी पंडित की तरह। उनके सामने मेज पर बैठते ही एक हताशा सी मेरी घुटनों और कोहनियों से जुड़कर घेर रहती थी। हमारे सामने रखी प्लेटों में खाना परोसते मम्मी की स्पून टकराने की आवाज़ आ रही थी। वो अपनी जगह पर बैठ गई और एक पल को मुझे सांस लेने का ख्याल आया। मन ही मन मैं अपनी बात शुरू करने का तरीका ढूंढ रहा था। क्या मुझे पहले उन लोगों का ध्यान अपनी तरफ करना चाहिए या बस सीधे सीधे अपनी महत्वाकांक्षा के बारे में सुना दूँ? नहीं, मुझे पहले अपने जाने की योजना के बारे में बताना चाहिए। मेरे सपने के लिए जयपुर छोड़ना जरूरी था, उनसे दूर जाना जरूरी था। दिल की बढ़ी हुई धड़कनें अब दर्द करने लगी थी, हथेलियां पसीने से ठंडी हो रही थी और एक बार फिर से मुझे खुद को सांस लेने की याद दिलानी पड़ी। क्या टेबल पर पापा की निगरानी भरी नज़रों के सामने बैठकर मैं अभी तक सिर्फ दो ही बार सांस ले पाया था? मम्मी पापा, हफ्तों की तैयारी के बाद आज मैं यह कहने की हिम्मत जुटा पा रहा था, मैं मुंबई जाना चाहता हूँ। पापा के चम्मच के प्लेट से टकराने की ज़ोरदार आवाज़ ने मुझे झटका दिया। तुम्हें मुंबई जाने की क्या ज़रूरत आ गई? ये मेरी उम्मीद से ज़्यादा सख्त प्रतिक्रिया थी। उनके लाल होते चेहरे, माथे की खींचती नसें और तेज नज़र मुझे मेरे फैसले से डिगाने लगी। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया से साफ कर दिया था कि मुझे मुंबई जाने के बारे में मुझे सोचना तक नहीं चाहिए। टेबल के नीचे मुट्ठी भींचते हुए मैं जानता था कि जब मुझे पता चलेगा कि मैं टेबल के नीचे मुट्ठी भींचते हुए मैं जानता था कि जब उन्हें पता चलेगा कि मैं क्यों जाना चाहता हूं, तो उनका गुस्सा और भड़केगा ही। मैंने किसी तरह अपनी हिम्मत बटोरी, बात आगे बढ़ाने की कोशिश की। मैं इससे पहले कि मेरी सारी हिम्मत फना हो जाए, मैं वहां जाकर एक फिल्म मेकिंग का कोर्स करना चाहता हूं। मुझे फिल्म डायरेक्टर बनना है। वो हम जैसे लोगों के जाने से जगह नहीं है। वो गुर्राए और गुस्से से अपना खाना खाने लगे। ऐसा करियर सब किस्मत की बात होती है, मूर्खों का सपना। और तुम्हें इसके लिए मुंबई जाने की क्या ज़रूरत है? मम्मी ने अपना खाना रोकते हुए कहा। तुम यहाँ जयपुर में भी तो क्लासेस ले सकते हो, सोचा जाए तो। मुंबई में इसकी बेस्ट क्लासेस है। मैंने अपने पापा से नज़रें मिलाई, मेरी गर्दन से पसीना बहने लगा। वहाँ काम के ज़्यादा अवसर है। अच्छा, पापा ने आगे बात कहने से पहले एक निवाला मुंह में रख कर चबाया। सॉरी, क्या तुमने मुंबई में रहने की कीमत के बारे में सोचा है? ये एक प्रैक्टिकल सवाल था जिसके लिए मैंने खुद को तैयार किया था। मैं समझता हूँ पापा, दरअसल मैंने इसके लिए कुछ सेविंग भी की है। मेरे प्लान है मुंबई के ट्रेन पकड़ने का, जिससे कॉलेज में मैं जाना चाहता हूँ उसके आसपास की जगह का कुछ अंदाज़ा है मुझे। और तुम कैसे जानते हो कि इस कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन हो ही जाएगा? उन्होंने एक भौं उठाकर मुझे देखा और एक और निवाला उनके मुंह में चला गया। मैंने एक पोर्टफोलियो तैयार किया है, बातचीत में मेरा पच लड़खड़ाने लगा। जो फ़ोटो मैंने लिए है उनमें मेरी आर्टिस्टिक्स समझ दिखाई देगी। उस पुराने कैमरे से? मम्मी ने नाक चढ़ाते हुए कहा। लेकिन उन फोटो में किसी फिल्म कॉलेज को क्या दिलचस्पी होगी? मैंने आह भरी। मुझे एहसास हुआ कि वो दोनों एक साथ मुझे घेरने की तैयारी कर रहे थे। ये कुछ फिल्माने से ज़्यादा है। तुम्हें एक स्टोरी कहनी होती है, किसी भाव को पकड़ के एक सिंगल फ्रेम में समेटना होता है। और जॉब के लिए तुम कितने लोगों से कॉम्पिटिशन करोगे? अपनी चम्मच नीचे रखते हुए पापा ने फिर से कमान संभाल ली थी। वहाँ नौकरियाँ कितनी हैं? क्या तुम्हें भरोसा है कि तुम्हें कुछ काम मिल जाएगा? वहाँ इतनी नौकरियाँ नहीं, अपने शब्दों को संभालते हुए मैंने खुद को रोका।
फिल्म मेकर्स के लिए पूरे भारत के बजाय सबसे ज़्यादा नौकरियां मुंबई में ही हैं। तुम इस बारे में अनिश्चित लग रहे हो। वो वापस खाने में लग गए, मानो उन्हें भरोसा हो चला था कि इस मामले में उन्होंने मुझे भटका दिया था। सॉरी, तुम्हें सीए के एंट्रेंस की तैयारी करनी चाहिए। मुझे ऐसे लगा जैसे कोई मुझे रस्सी से जकड़कर बांध रहा हो, लेकिन मैं ये नहीं करना चाहता। मेरा सपना फिल्म मेकर बनने का है, मैं समझता हूँ। गला से एक घूंट भरकर उन्होंने अपना गला साफ किया। सफलता के साथ क्यों उलझना, असफलता का जोखिम ही क्यों लेना। मेरे शब्दों ने मेरा साथ छोड़ दिया और मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मेरी जान सी निकल रही थी और उसी के साथ मेरी हिम्मत भी। मैंने अपने प्लेट को घूरा, मेरी भूख मर गई थी और मेरे मुंह में हमारे जैसे लोग की कड़वाहट घुली हुई थी। मैं ऐसा इंसान नहीं होना चाहता था। मुझे तो किसी ऐसे चीज़ के पीछे भागना था जिसके लिए मैं हर सुबह खुशी खुशी उठना चाहूँ। क्या कुछ ज़्यादा की चाह करना गलत था? निराश होकर मैं टेबल से उठ गया। बेडरूम के अंधेरे में मैंने अपने मन के गुस्से को भभकने दिया। पापा को कोई आइडिया नहीं था कि फिल्म मेकर बनने के लिए किस तरह के टैलेंट और स्किल्स की ज़रूरत होती है। मूर्खों का सपना। क्या ऐसी ज़िंदगी के साथ संतुष्ट होना मूर्खता नहीं, जो अपनी निर्धारित जगह से कभी भी आगे नहीं बढ़ेगी? ज़िंदगी के ख़त्म होने तक दुखी और परेशान रहना। मेरे पेट में फिर से मड़ोड़ उठी। यह ख्याल ही अपने आप में जी मिचलने वाला था। फिल्म मेकर बनने के लिए भी उतना ही मेहनत और प्रतिभा चाहिए होती है जितना कि सीए बनने में। सीए बनना मेरे पापा के लिए मेरे लिए देखा गया सपना था, मेरा नहीं। मेरा दरवाज़ा खुला, मम्मी थी। सॉरी, तुम ठीक तो हो ना? वो मुस्कुराते हुए कमरे में दाखिल हुई। तुमने कुछ खाया नहीं? जब पापा ने मेरे सपनों को कुचला तो मेरी भूख मर गई, मैंने उन्हें घूरते हुए कहा। इस मामले में आप क्या सोचती है? मुझे भी कहना होगा कि यह बचकाना ख्याल है। उनके पास मुझे चिढ़ाने का ताकत थी। तुम्हें अपने पापा की बात सुननी चाहिए, आखिरकार वो समझदार इंसान है। बैठते हुए मेरी उदास आंखों से मैंने चेतावनी दी। देखिएगा, एक दिन मैं चला जाऊंगा। मुंबई की ट्रेन पकड़कर मैं अपने सपने सच करने निकल जाऊंगा। मेरा कहा हर शब्द सच था। मैं कई बार रेलवे स्टेशन जा चुका था, मैं वहां से ट्रेन भी पकड़ सकता था। मैंने दीवार से ब्लैक फ़ोटो फ्रेम उठाया, उसमें से फ़ोटो निकाली और खाली फ्रेम वापस लगा दिया। मम्मी ने इस अजीब हरकत पर मुंह बनाकर भौंहे चढ़ाई। वापस लौटकर मैंने फिर कहा, यह मेरे लिए रिमाइंडर है कि मेरी डेस्टिनी अभी खाली है, कि मेरे सपनों का कोई अर्थ नहीं। आह भरकर वह वापस जाने के लिए मुड़ गई और फिर मुड़कर हाथ उठाकर कहा, अब ड्रामा बंद करो सौर्य। हम में से किसी को भी अपने सपने जीने को नहीं मिलते। चैप्टर 2, अनुभव। जयपुर में बड़ा होना मेरे लिए कुछ खास था। आलीशान महलों, किलों और मंदिरों के बीच ज़िंदगी शुरू करने के लिए जयपुर बेहतरीन जगह थी। हमारे समय से पहले यह जगह सपनों को सच करने की साक्षी रहती थी और बचपन में भी मैं भी उसका एक टुकड़ा चाहता था। एक बार मेरी मम्मी ने मुझसे पूछा था, अनुभव, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो? मेरा जवाब था, अपने साम्राज्य का राजा। बहुत बाद मैं इस पर सोचने लगा। अपनी छोटी आवाज़ में कहे गए ये भारी भरकम शब्द मुझे हंसा रहे थे। तब तो मैं इनका मतलब भी नहीं जानता था। मुझे याद है कि मेरे पापा भी इस पर खुलकर हंसे थे, लेकिन कभी भी मेरे पेरेंट्स ने मुझे नहीं कहा और ना ही मेरी सोच को सुधारने की कोशिश की। आखिरकार तब मैं बच्चा ही था ना। अपनी ही पावर का टावर बनाने का सपना कुछ ऐसा था जैसे उसके लिए मैं कितनी भी मेहनत करने को तैयार था। मुझे लगता था कि ये महत्वपूर्ण लक्ष्य है। बेंगलोर क्यों? जब मैंने अपनी मम्मी को बताया कि मैं पढ़ाई के लिए जाना चाहता हूँ, तो अचानक से उनके चेहरे पर उम्र की लकीरें दिखाई देने लगी। मैंने उनकी आँखों में देखा। मेरे जाने के ख्याल से ही वो उदास हो उठी थी, क्योंकि MBA के बेस्ट कॉलेज वहीं हैं।
मैंने मुस्कुराकर उन्हें भरोसा दिलाने की कोशिश की कि मैं वाकई में ये करना चाहता था जिसके लिए मुझे जाना था। अगर मुझे सफल बिजनेस खड़ा करना है तो मुझे उसकी ट्रेनिंग भी बेस्ट जगह से ही लेनी होगी ना। वो सही कह रहा है। मुस्कुराते हुए पापा की आंखें कुछ सिकुड़ गई और उनके चेहरे की लकीरें खिल गई। हम भी तुम्हारे लिए बेस्ट ही चाहते हैं अनुभव। मैं मम्मी की आंखें भर आई। उन्होंने सांस खींचकर वापस अपने शब्दों को संभाला। मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी अनुभव। मम्मी को बाहों में भरकर मैं खुश था कि वो मुझे जाने से नहीं रोक रही थी। मेरा प्लान MBA करके वहीं रहते हुए एक स्टार्टअप कंपनी शुरू करने का था। आप वहाँ मुझसे मिलने आएंगे ना? बिल्कुल, उन्होंने अपने गालों पर बहते हुए आंसुओं को पोंछ डाला। जानते हो ना कि हालात चाहे जो हो, तुम्हारा घर हमेशा तुम्हारे लिए खुला है। मुझे उम्मीद है कि तुम अपना हर सपना पूरा करोगे, पापा ने अपने इमोशनल पर काबू करते हुए कहा। हमारा सिर ऊंचा करना बेटा। मैं करूँगा, मैं जानता हूँ पक्का ऐसा ही होगा। मैंने सिर हिलाया। कुछ हफ्तों बाद मैंने बेंगलोर जाने वाली ट्रेन पकड़ी। बिना सोचे मैं MBA और फिर अपना स्टार्टअप शुरू करने के लिए निकल गया था। बेंगलोर एक दिलचस्प जगह थी, जयपुर की तरह नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ जयपुर की याद दिलाते बड़े बड़े आधुनिक महल और मंदिर थे। ऐसा लगता था कि यहाँ दिन रात सड़कें भरी रहती है। इतनी ज़्यादा भरी कि आप सोच में पड़ सकते हैं कि लोग यहाँ कभी सोते भी हैं कि नहीं। यहाँ भी ढेरों मंदिरें और खंडहर है, पर ऐसा लग रहा था जैसे वो ईंट के रोड के बीच में कहीं से उग आए झाड़ झंझाड़ हो। एक गलत मोड़ लो और आप खुद को किसी झुग्गी में पाओगे। यहाँ का मॉडर्न आर्किटेक्चर कमाल का है। आप खुद को सड़कों पर खड़े होकर कला के काम को बनने के लिए आवश्यक इंजीनियरिंग को आश्चर्यचकित होकर देखते हुए पाएंगे। तुम फिर से? उन्होंने मुझे देखकर आंखें झपकाई और मेरे पास खड़े हो गए, जिधर मैं देख रहा था उत्सुकता से उधर ही देखते हुए। मैंने तुम्हें यहाँ कई बार खड़े देखा है, बस ऐसे ही कुछ देखते हुए। क्या आप इससे प्रेरित नहीं होते हैं कि कोई अपनी कल्पना से कितने कमाल का डिज़ाइन बना देता है? मैंने उन्हें देखते हुए कहा। वो उसी बिल्डिंग में काम करते थे जिसे मैं देख रहा था। हालांकि मैंने इससे ज़्यादा कुछ नहीं देखा था। और आपके लिए इतनी सुंदर जगह काम करना यकीनन बहुत ही सुखद होगा ना? वह चाह के, मैंने कभी इस तरह से सोचा नहीं। मुझे बस इतना पता है कि यह वो जगह है जहाँ मैं काम करने आता हूँ। हाँ, यहाँ से असाधारण बिल्डिंग में काम करना गर्व की बात तो है। मेरे चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और मैं अपने पूरे विश्वास से कहा, एक दिन मेरा खुद का बिजनेस होगा और मैं यहाँ आपके साथ काम करूँगा। वह अपनी बाह मोड़ कर मुस्कुराया। अपने बारे में मुझे कुछ बताओ, उन्होंने कहा। मेरे पास थोड़ा समय है, तो मुझे अपनी कहानियाँ सुना सकते हो? उनकी बात सुनकर मेरे चेहरे पर चमक आ गई। मुझे खुशी होगी मेरी कहानी। मैंने पास ही एक मुंडेर की तरफ इशारा किया और वहाँ जाकर बैठ गए। मैं एक कामयाब बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। हालांकि मैं जयपुर से हूँ, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे बेंगलोर में आकर MBA करना और अपना काम शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया है। उन्होंने सिर हिलाया। तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हें इतना सपोर्ट करने वाले पेरेंट्स मिले हैं। हाँ, वो तो है, वो तो मैं हूँ, मैंने खुश होकर कहा। उन्होंने मुझे अपने सपने पूरे करने का हौसला दिया है। बस मेरी डिग्री पूरी हो जाए, मेरे पास बहुत से आइडियाज़ है जो मैं पूरी दुनिया के सामने लाना चाहता हूँ। तुम भाग्यशाली हो, उन्होंने कहा। तुम्हारे पास हौसला और सपोर्ट दोनों है। ये गजब का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को बढ़ाते हैं। जब तक तुम्हारे पास ये दोनों है, मैं जानता हूँ कि तुम्हें सफलता की राह पर आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। उनके शब्द बहुत प्रेरक थे। थैंक यू, मैंने कहा। मुझे उस दिन का इंतज़ार है जब मैं आपके साथ इसी बिल्डिंग में लंच करूंगा। तुम्हारे लिए मैं उम्मीद करता हूं कि तुम्हारे सपने सच हो जाए।
उन्होंने अपनी घड़ी पर नज़र डालती और कहा, सो सॉरी, अगर मैं कुछ और देर तुम्हारे साथ बैठा सपने देखता रहा तो मुझे देर हो जाएगी। मुझे पहले से ही इंडिया की सिलिकॉन वैली की बिल्डिंग्स पसंद थी। बाद में एहसास हुआ कि इनकी खासियत यहाँ शुरू होने वाले नए बिजनेस भी थे जो इसे आकर्षक बनाते थे। सफल विचारों की बाहरी परत, इन दीवारों के भीतर काम कर रहे सफल पुरुष महिलाओं की शख्सियत का मेल खा रही थी। इस जगह पर मेरी रचनात्मकता और दृढ़ता मेरी उम्मीद से भी ज़्यादा बढ़ जाती। आमेर फोर्ट, जहाँ अक्सर बचपन में मेरे पेरेंट्स मुझे ले जाते थे, यहाँ से बहुत दूर था, लेकिन मेरे सामने आधुनिक आदमी का महल था जहाँ मुझे अपने साम्राज्य स्थापित करना था। मेरा सपना कामयाब बिजनेसमैन बनना था, कुछ ऐसा जो मेरे साधारण अस्तित्व से निकलकर एक खास ऊंचाइयों तक पहुँचा सके। वर्तमान दिन, चैप्टर 3, सौर्य, जयपुर। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का शौर कुछ यूं ही हावी था, मानो नदी पूरे वेग से बह रही हो, पर मेरे लिए यह सुन्न कर देने वाली आवाज़ थी, सन्नाटे की तरह। चैप्टर 3, सौर्य, जयपुर। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का शौर कुछ यूं ही हावी था, मानो नदी पूरे वेग से बह रही हो, पर मेरे लिए यह सुन्न कर देने वाली आवाज़ थी, सन्नाटे की तरह। प्लेटफॉर्म पर लाल और पीले रंग में आती सूचना भी मेरे विचारों की श्रृंखला नहीं तोड़ पा रही थी। वे मेरे मन में घुमड़ती भावनाओं की जंग के अलावा कुछ नहीं थे। सर्दियां खत्म हो रही थी, लेकिन स्टेशन पर लगी लंबी कतारों में खड़े लोगों के लिए राहत की कोई लहर नहीं थी। फरवरी लुकी छिपी से निकल रही थी, अपनी नर्म सी सर्दी को छिपाए हुए, जिसकी अभी मुझे बहुत ज़रूरत थी। खंभों और खोमचे वालों के बीच से रास्ता बनाते हुए मैं अपनी जानी पहचानी डगर पर बढ़ रहा था। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर मेरी वफादार बेंच आज भी खाली रहकर मेरा इंतज़ार कर रही थी। वहाँ अकेले बैठे हुए मैं डरा हुआ भी था और उत्साहित भी। खाली पड़े इस ट्रैक पर बस कुछ ही देर में वो रेलगाड़ी आएगी जो मुझे यहाँ से उस जगह ले जाएगी जहाँ मेरे सपना और महत्वाकांक्षाएं सच हो सकते हैं। उस पर चढ़ते ही मैं इसका साथी बन जाऊंगा, उस बदलाव के लिए तैयार हो जाऊंगा जो इसने मुझसे पहले भी कई सारे लोगों को दिया होगा। लेकिन मेरी हिचकिचाहट मेरे मुंह में कसेल स्वाद छोड़ रही थी। क्या मैं बिना किसी अफसोस के अपने पेरेंट्स को पीछे छोड़कर जाने के लिए तैयार था, खासकर अपनी मम्मी को जिन्हें मैं इतना चाहता था? अपने सपनों तक पहुंचने के लिए मुझे उन सब का उन प्रोत्साहन चाहिए था। उनका जवाब हमेशा मेरे दिमाग पर हावी रहता, उससे मेरा दिल डूबता हुआ सा महसूस होता और मैं पूरी तरह सुन्न हो जाता। क्या मैं सच में सब पीछे छोड़ सकता था? क्या उनसे सब साझा किए बिना मैं ज़िंदगी में कभी खुश रह पाऊँगा? अपने पेरेंट्स और परिवार का सिर फ़ख्र से ऊंचा करने का ख्याल से मुझे खुशी से भर देता। क्या ऐसा नहीं हो पाएगा? ऐसा होना चाहिए, लेकिन यह सब करने का विचार ही बहुत अकेला और कठोर मालूम होता। शायद आज मैं इस बेंच से खड़ा होकर अपनी ज़िंदगी के नए चैप्टर के कदम बढ़ा पाऊंगा। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? एक मध्य उम्र के आदमी ने मेरे ख्यालों का अचानक तोड़ते हुए मुझे चौंका दिया। हाँ, मेरा अकेलापन अभी भी मुझे काट रहा था और इस अकेले कोने में मैं उन्हें बैठाने में मुझे कोई नुकसान नहीं लग रहा था। बोलने से पहले आदमी ने मुझे नज़र भर के देखा। मैं पहली बार ट्रेन से मुंबई जा रहा हूँ, ट्रेन कितनी देर में आएगी? 20 मिनट। मुझे घड़ी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मुंबई जाने वाले प्लेटफॉर्म पर मैं पहली बार नहीं बैठा था। तो यह प्लेटफॉर्म नंबर 2 है मुंबई जाने के लिए? वह आसपास देखते हुए चमकते पीले रंग की रोशनी में खो से गए। हाँ, आप सही प्लेटफॉर्म पर हो, खुद को सीधा करते हुए मैंने दूसरी तरफ इशारा किया। वो प्लेटफॉर्म नंबर 3 है जहाँ मुंबई से आने वाली ट्रेन आकर लगती है। यह प्लेटफॉर्म नंबर 2 है जहाँ मुंबई जाने वाली ट्रेन लगेगी। अगर आपको मुंबई जाना है तो आप सही जगह पर हैं सर। उन्होंने रेलवे स्टेशन पर नज़र दौड़ाते हुए खुद से कहा। तो दोस्त, तुम भी मुंबई जा रहे हो? मैंने जवाब देने के लिए मुंह खोला लेकिन हिचक गया। मेरा एक मन
हाँ कहना चाह रहा था जबकि दूसरा ना। यह बेंच अभी भी मुझे जकड़ रही थी मेरी ही हताशा से। अपने विचारों से उबरते हुए मैंने अपना जवाब बुदबुदाया, शायद। आदमी की खामोशी खिंचाने वाली थी। क्या वो मेरे मन की बात सुन सकते थे? क्या वो मेरे वर्तमान और सपनों की ज़िंदगी में चल रहे संघर्ष को महसूस कर सकते थे? शायद, उन्होंने दोहराया। उनके आवाज़ में हैरानगी थी लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। तुम करते क्या हो बरखुदार? मैं CA का फाइनल ईयर में हूँ, मेरा जवाब रूखा था लेकिन बातचीत का विषय बदले जाने से मैं खुश था। अच्छा, प्रोफेशन है। वो भी हमारे बीच मूड बदलने की खासी कोशिश कर रहे थे, हालांकि मैं अपने बारे में ज़्यादा बताने के मूड में नहीं था। इसे क्लियर करते ही तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। तुम्हारे फाइनल एग्ज़ाम कब है? लंबी सांस लेकर मैंने जवाब दिया, 3 महीनों में। ओह, फाइनल्स तक पहुंचने में तुमने कितने अटेम्प्ट्स किए? उन्होंने और जानने की कोशिश करते हुए उत्सुकता से पूछा। एंट्रेंस और IPCC सब पहली बार में ही पास कर लिया, मैंने आंखों के कोर से उनके आंखों के कोर को देखते हुए कहा। अब मैं पहली बार फाइनल्स के एग्ज़ाम दूंगा, ये तो बहुत बढ़िया है, वह मुस्कुराए। मेरी उपलब्धि सुनकर खुशी से उनके चेहरे की लकीरें और गहरी हो गई। तुम जरूर फाइनल भी पास कर लोगे और उसके बाद एक शानदार जीवन जियोगे। मेरी नज़र अब ज़मीन पर थी, मिले जुले भावों के साथ। देखते हैं, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? उन्होंने नर्मता से पूछा। मेरे पेरेंट्स, यह रास्ता उन्होंने मेरे लिए चुना है, मैंने स्वीकार किया, लेकिन ये वो नहीं है जो तुम चुनना चाहते थे। नहीं, लंबी सांस लेकर उन्होंने पीछे कमर टिकाई और दोनों हाथों की उंगलियां आपस में गुथ कर सिर के पीछे टिका कर कुछ सोचने लगे। आखिरकार वो दोबारा बोले, मैं तुम्हें बता सकता हूँ लेकिन मुझे भी अलग दिशा में ढकेलने की कोशिश की थी, उन रास्तों पर जो उन्होंने मेरे लिए चुने थे। मैंने अपने लिए नहीं, मैं बहुत ज़िद्दी हूँ, मानता हूँ, और जब ये होता है तो मुझे प्रभावित करने का उनका प्रयास सिर्फ मुझे विपरीत दिशा में जाने के लिए प्रेरित करता है। सच में, अपने साथी की विपरीत परिस्थितियों से जूझना की कल्पना करते हुए मैं मुस्कुराया। हाँ, वह मुस्कुराया। तुम्हें खुद को बताना होगा कि तुम्हारी अपनी राह चुनने से तुम्हारे पेरेंट्स को जो तकलीफ़ होने का तुम्हें डर है, वो उस तकलीफ़ से बड़ा नहीं हो सकता जो अपना सपना पूरा न कर पाने का हो। अगर तुम अपने दिल की राह चुनते हो, अपने सपनों को साकार करने की कोशिश करते हो, तो तुम्हें ये घुटन नहीं होगी। ब्रह्मांड भी तुमसे वास्तव में इसी की उम्मीद करता है। दोबारा मिले इस मौके को लपक कर लो और अपने सपनों को पूरा करो। विचार फिर अपनी जगह पर रोंगकर मेरे दिल में दर्द पैदा कर रही थी। मैं प्यार और कर्तव्य में फंस गया था। क्या एक जीवन में इन दोनों को निभाना हमेशा इतना ही मुश्किल होता है? वो सज्जन अभी भी मुझसे बातें जारी रखने की कोशिश कर रहे थे लेकिन मैं इस समय और ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहा था। उनके शब्द मेरे कानों से यूं अंदर और बाहर आ रहे थे मानो किसी कपड़े में सिलाई का धागा उसे छेदते हुए निकल रहा हो। बीच बीच में उनकी अंतहीन सवालों का मैं यूं ही बेमतलब सा जवाब दे रहा था लेकिन अभी मैं वापस इसी बेंच पर बैठकर सोच रहा था कि मुझे अपने ज़िंदगी के साथ क्या करना चाहिए। मैं क्या करना चाहता हूँ? मुझे क्या करना चाहिए था? मैं जयपुर में किसी नई छोड़ जाना चाहता था। ज़िंदगी एक मज़ेदार सह है, तुम जानते हो। वो सज्जन बेंच पर पीठ टिका कर बैठ गए। उनकी आंखें कहीं दूर देख रही थी। तुम ज़िंदगी में जो चाहते हो, अगर तुम्हें उसे तुम्हारा सब कुछ, तुम्हारा दिल, दिमाग, आत्मा नहीं देते हो तो तुम कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। कई बार मैंने खुद को भी वैसे ही फंसा हुआ पाया है जैसा आज तुम इस बेंच पर जकड़ बैठे हो। हिल पाने में असमर्थ हो, भले ही मैं अपने जीवन के अगले अध्याय में जाने के लिए कितना भी उत्सुक था, मेरा ध्यान अब उन पर गया। तो ऐसे हालात में आपने क्या किया? मैं दोबारा बातचीत करता देख वो चहके। मैंने ज़िंदगी की वही दिया जो इसने मुझे मांगा।
मैंने रिस्क लिया, खासकर तब जब एहसास हुआ कि यूँ बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं बदल सकता। आप बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई देते हो, मैंने कहा। उनके शब्द पर शक करते हुए मेरी भौहें चढ़ गई। रिस्क अक्सर आपको बदतर हालात में ला छोड़ते हैं, सही है? उन्होंने हाँ में सिर हिलाया। उनकी मुस्कुराहट चौड़ी हो गई, लेकिन फिर भी पछतावे का भार और भविष्य में बार बार खुद से पूछना क्या होता अगर आपकी आत्मा को छलनी कर जाता, क्या होता अगर मैं वो चांस ले लिया होता, अगर सबसे बुरा होता तो क्या होगा, वापस घर आकर वहीं से शुरुआत करना जहां छोड़कर गए थे। कम से कम आगे तुम इस बात को तो नहीं सोचते रहोगे कि तुम्हारे पास एक रास्ता था, तुम कुछ और कर सकते थे। उनकी सलाह लेकर मैंने सोचा, क्या अभी सब डरावना नहीं है? तुम्हारा परिवार क्या सोचेगा? वापस उस परिवार के पास आना जो पहले से आपसे नाराज है? आह, लेकिन यही तो होती है विश्वास की वो छलांग। वो वापस आगे झुक आए। याद रखो, ज़िंदगी में हर चाहत की एक कीमत होती है। ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कीमत उसे बेहतर ना बनाने की कीमत, और ये कीमत तुम्हें अदा करनी है। तो अपनी चाहत के बारे में सावधानी से निर्णय लो। ट्रैक पर आती ट्रेन की चिकती हुई आवाज़ से उनकी बात बीच में रह गई। मेरी नज़रें ऊपर उठी मुंबई जाने वाली ट्रेन के दरवाजे की तरफ। उन्होंने खड़े होकर ट्रेन की तरफ कदम बढ़ाए, फिर वो रुककर पीछे की ओर मुड़े। तुम आ रहे हो ना? मेरी नज़रें उन्हीं दरवाजों पर टिकी थी। मैं कुछ भी जवाब देने से डर रहा था कि कहीं मुंह से निकलने वाले शब्द मेरे आखिरी फैसला ना बन जाए। हॉर्न की आवाज़ आई इस चेतावनी के साथ कि ट्रेन जल्द ही निकलने वाली है। नौजवान, तुम आ रहे हो ना? मेरी सांसें अटक गई, मेरे बदन पसीने से तर थे। तुम क्या सोच रहे हो? वो फुसफुसाए। मेरे कान और दिमाग उनकी बातों से कहीं दूर भटक गए। उनकी आवाज़ अब साफ सुनाई नहीं दे रही थी। ट्रेन छूटने वाली है, आओ। मुझे खड़ा करने के लिए इतना काफ़ी था। दिल का धड़कन मेरे कानों में गूंज रही थी, फिर भी मेरे पैर हिल नहीं पाए। हॉर्न का एक और लंबी आवाज़, इंजन की गड़गड़ाहट और फिर गाड़ी के डिब्बे धीमे धीमे सरकने लगे। ट्रेन छूट रही थी। वो मुझ पर झुंझलाए, उनके होठों से कुछ डांटते हुए शब्द से निकल रहे थे। मेरे तन मन और आत्मा को आपस में उलझता देख उनकी खुश मिजाजी कहीं गुम हो गई। एक सितकार सी मेरे कानों से टकराई और ट्रेन गुजरने लगी। मेरा गला बैठ गया और मैंने लाचार नज़रों से उन्हें देखा। अपने सपनों की तरफ एक कदम बढ़ाना भी इतना मुश्किल क्यों था? उन्होंने मुझे रिस्क और विश्वास के छलांग के बारे में बताया था, लेकिन अभी मैं छोटा सा कदम उठाने से भी डर रहा था। ज़िंदगी में इस मुकाम तक पहुंचने के लिए बहुत हिम्मत की ज़रूरत पड़ी, और मैं अभी भी नहीं जानता था कि वो हिम्मत कैसे आई। लेकिन अगर मैं सच में इन सज्जन की तरह बहादुर होता तो शायद आज मैं इस बेंच पर बैठकर मुस्कुरा रहा होता। नहीं, मुझ में वो छलांग लगाने की काबिलियत नहीं है। ओह, मैं उस पछतावे के भार के बारे में जानता था उनकी जिनकी उन्होंने बात की थी, और वो डरावने सपने जिसमें मैं कास कहता हुआ चिल्लाता हूँ। क्या आज वो दिन होगा जब मैं अपने सपनों की तरफ एक कदम बढ़ा पाऊँगा? दुख की लहर मेरे अंदर लहराई। जैसे ही वो जाने के लिए मुड़े, वो हड़बड़ाकर भागे। उनके कंधे एक लड़की से टकराई। वो अपना मुंह चिल्लाने के लिए खोली, लेकिन अपने शब्दों के डर से खामोश हो गई। उन्होंने आखिरी बार मुझे मुड़कर देखा और फिर उस ट्रेन में चढ़ गया। बेबस सा मैं मुंबई जाने वाली ट्रेन को रेंगते हुए देखता रहा। उस लड़की के हाथ में जो पेपर थे वो मेरे चारों तरफ बर्फ के बाहों की तरफ फिकर गए। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। ट्रेन की आवाज़, लड़की की शिकायत और मेरे ख्याल भी सब उस पल में सुन्न हो गए थे। मैं अकेला था, अपने ही डर में घिरा हुआ। जाती हुई ट्रेन प्लेटफॉर्म पर उन कागजों और मेरी हिम्मत की तरह ही छितर कर चली गई। उस लड़की का ड्रेस से खिले हुए रंग भी मेरे नज़रों के क्षितिज को शून्य में देखने से भटका नहीं पाई। मैं बस ट्रेन के साथ अपने सपनों को रेंगते हुए देखता रहा। भीचे हुए दांतों की वजह से मेरा जबड़ा दुखने लगा था। अपनी ही कायरता से हार कर मैं मुड़कर अपने घर की तरफ चल दिया। मैं फिर किसी दिन कोशिश करूँगा,
जब एक बार फिर से हिम्मत बटोर लूँगा। मैं एक बार फिर से अपने नाम, शौर्य, बहादुरी, हिम्मत को साबित करने की कोशिश करूँगा। चैप्टर 4, शौर्य। क्लास में मिनट की सुई की टिक टिक भी ड्रम की बीट की तरह जान पड़ी रही थी। एडवांस ऑडिटिंग पर होने वाली चर्चा मेरे हौसले को तोड़ती हुई से आगे बढ़ रही थी। बदकिस्मती से फाइनल एग्ज़ाम के लिए मुझे एक सब्जेक्ट की तैयारी करनी थी। प्रोफेसर हम सभी को ऑडिटिंग के अलग अलग तरीके समझा रहे थे। वास्तविक दुनिया में उसके इस्तेमाल किए जाए के जरिए और हम में उसमें क्या करना होता है, यह तरीका थकाऊ तो था लेकिन बहुत काम का भी। लेकिन बोर्ड के आगे खड़े आदमी के मुंह से निकलने वाले शब्द से मैं जुड़ नहीं पा रहा था। हर पॉइंट को मैं बस मशीनी तरीके से नोट कर रहा था। फर्श पर खिसकती कुर्सियों की आवाज़ में मैं होश में आया। क्लास आखिरकार ख़त्म हो गई थी। मैं जल्द से जल्द घर जाकर खुद को कमरे में बंद कर लेना चाहता था जहाँ मैं सही मायनों में अकेला हो सकता था। गलियों से गुजरते हुए नंबर और चार्ट अभी भी मेरे दिमाग में गूंज रहे थे। मेरे पैरों के नीचे बाइक के हर गियर शिफ्ट के साथ मानो कंधों से वजन उतरता जा रहा था, लेकिन मानसिक थकान का भार अभी भी हावी था। मैं थक गया था और ये ख्याल कि अभी दिन खत्म नहीं हुआ है मुझे खाए जा रहा था। अकेले पढ़ने का ख्याल इस तड़प को तिगुना कर रहा था और दिमाग रह रहकर सोने की विनती कर रहा था। पलक झपक कर आँखों को खुला रखने की कोशिश करते हुए मुझे एहसास हुआ कि मैं घर तक पहुँच गया था। रास्ते में इमारतों, गाड़ियों के साथ में बाइक चला रहे लोगों में से किसी पर भी मेरा ध्यान नहीं गया था। बाइक पार्क करने और इंजन बंद करने के बाद भी मैं अभी उसी पर बैठा था, उसके हैंडल पर झुका हुआ। मैंने अपनी आँखें बंद कर ली और सोचने लगा कि क्या कोई हंगामा मचाएगा मुझे सोता देख। एक जानी पहचानी आवाज़ मेरे कान से टकराई। मैंने उसके बरामदे की ओर देखा तो उसे एक अनजान लड़की से बात करते पाया। मैंने उस लड़की को पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन अभी भी इतना थक गया था कि किसी पूछताछ की मुझमें हिम्मत नहीं थी। नहाकर सोने के विचार ने मुझे बाइक से उतरने का हिम्मत दी। खुद को सीढ़ियों की तरफ घसीटते हुए मुझे आसपास की दुनिया का कोई ख्याल नहीं था। कंधे झुकाए हुए सीढ़ी पर एक कदम रखते ही मेरी आह निकल गई। अभी और सीढ़ियाँ चढ़ने के ख्याल ने मेरी हिम्मत तोड़ दी। हालांकि मैं शारीरिक रूप से फिट था। खुद को हिम्मत देते हुए मैं सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। क्लास का टॉर्चर खत्म होने और घर पहुँचने का ख्याल मुझे प्रेरित कर रहा था। सॉरी, आवाज़ ने मुझे चढ़ने से रोका। आवाज़ नर्म और प्यारी थी, लेकिन मैं अभी मुड़कर अपने पड़ोसी कस्तूरी से बात करने से डर रहा था। दो माले की बिल्डिंग में उसका परिवार ग्राउंड फ्लोर पर रहता था और मैं और मेरा परिवार दूसरे माले पर। मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई और मैंने सीढ़ी की रेलिंग को मजबूत से पकड़ लिया। मैं फैसला नहीं कर पाता था कितनी प्यारी लड़की का मेरे पड़ोस में रहना मेरे लिए सजा थी या मजा। उसकी मुस्कान बहुत प्यारी थी और अपने होने से ही वो अपने आसपास के लोगों को खुश कर देती थी। उसके बालों का अलग अलग स्टाइल मुझे बहुत पसंद आता था और खुले रहने पर उसकी लटे मनमाने ढंग से घूमती थी। वो जितनी खुशमिजाज बाहर से नज़र आती थी उतनी ही जिंदा दिल अंदर से भी थी और उसके शब्द अक्सर मुझे प्रेरित करते थे। आज उसने बालों की चोटी बनाई हुई थी और उन्हें खूबसूरत पीनों से सजा रखा था। उस पर पहने हुए सभी चमकदार रंग अच्छे लगते थे। ज़्यादातर वो नारंगी, पर्पल और हरे रंग के सेट पसंद करती थी। अगर आपका ध्यान उसके इन रंगों की ऊर्जा पर नहीं जाता तो उसकी नर्म भूरी आंखें एक पल में आपका ध्यान खींच लेती थी। नर्म आँखों का रंग कुछ कुछ दुकान में रखे सांभर के चमड़े से मेल खाता लगता था। कस्तूरी मुझसे एक साल छोटी थी, लेकिन ज़िंदगी को देखने का उसका नज़रिया मुझसे पूरी तरह अलग था। मैं दुनिया का सामना एक डर के साथ करता था, खासकर जब बात मेरे सपनों की और इच्छाओं की हो। वो इस दुनिया की बदसूरती का सामना भी अपनी खूबसूरत मुस्कान से करती थी और बिना किसी पछतावे के ज़िंदगी जीती थी।
वो अपने काम से प्यार करती थी और फाइनेंस में अपने MBA को लेकर बहुत फोकस्ड थी। बेंच पर बैठे वो सज्जन जिंदगी जीने की उसकी फिलॉसफी से सहमत होते कि वो अपनी इच्छाएं पूरी करने का जज्बा रखती है। इसके लिए भी मैं उसका कायल हूँ और इससे मुझे ईर्ष्या भी होती है। जितना मैं उसके साथ समय बिताने को लेकर उत्साहित रहता हूँ, अभी इस पल में मैं उतना ही घबराया हुआ हूँ। ऐसा लग रहा था कि स्टेशन वाली कायरता मुझ पर फिर से हावी होने लगी थी। सॉरी, उसने दोहराया। उसके आवाज़ में इस बार चिंता की झलक थी। तुम ठीक तो हो ना? मुझे कोई शब्द नहीं सूझ रहा था। मेरे मुंह सूखे जा रहे थे और मेरे ख्याल मुझसे नजरें चुरा रही थी। रेलिंग पर मेरी पकड़ और मजबूत होने से मेरे हाथों में दर्द होने लगा था और ठंडे पसीने से मुझे कपकपी आ रही थी। उसके हाथ ने मेरा कंधा हिलाया। गरमाई के एक भाव ने मेरा ध्यान खींचा। तुम ठीक तो हो न सौर्य? उसकी नज़रों से बचते हुए सुस्की से मैंने सिर हिलाकर भरोसा दिलाया था कि मैं ठीक था। मेरी नज़रें उसके होठों पर पड़ी जब वह पूछ रही थी, कोई प्रॉब्लम है क्या? आंखों को मजबूती से भींचते हुए मैंने खुद को झकझोरा। वर्तमान में वापस आते हुए मैंने एक फीकी सी मुस्कान के साथ न में सिर हिलाया। मैं डर रहा था कि अगर मैंने झूठ बोला तो वो मेरे अंदर के कायर को देख लेगी। हर चीज़ मुझे अब डराने क्यों लगी थी? एक हिचकिचाहट से मुझे जकड़ रही थी। छोटी छोटी चीज़ों में भी मेरा दिल मेरे दिमाग से बगावत करने लगा था। उसका हाथ मेरे कंधे से हटा और मेरे डर की कपकपी फिर से मुझ पर हावी हो गई। खैर, मैं तुम्हें अपने कजिन से मिलवाना चाहती थी। उसने सीढ़ियों के नीचे की तरफ अपने हाथ का इशारा किया जहां वो लड़की खड़ी थी, मिराया। ये वही दोस्त और पड़ोसी है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। मेरे बारे में बताते हुए उसकी आवाज़ की वो खुशी मुझ पर फिट नहीं हो रही थी। मिराया भी इससे प्रभावित नहीं लगी, लेकिन वो जवाब भी मेरा जरा सरक गई। वो लंबी थी और देखने में कुछ सख्त। उसके भावों को पढ़ पाना आसान नहीं था। उसके होठ न तो मुस्कुरा रहे थे न सिकड़े हुए थे। वो उसके मुंह से सटीक कानों की तरह आकर रुक गए थे। उसकी आंखों में थकान थी और वो चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि उन्होंने उतनी दुनिया देख ली है जितनी मैंने अभी देखने की कल्पना भी नहीं की है। उसके बाल जूड़े में बंधे थे, लेकिन कुछ लटे जूड़े से बच निकली थी और उनका गहरा भूरा रंग सूरज की रोशनी में तेज चमक रहा था। उसने एक सुंदर लेकिन सादी ड्रेस पहन रखी थी। उसकी आँखें मुझे झाँक रही थी। ओ हेलो मिराया, मैंने सिर हिलाया। मैं उस अनजान लड़की से भी नज़रें मिलाने से कतरा रहा था। उसने सिर हिलाया, उसका चेहरा सख्त हो गया और नज़रें अभी भी मुझ पर टिकी थी। ऐसा लग रहा था कि अपने सामने खड़े लड़के पर उसे भरोसा नहीं था, लेकिन इसके लिए मैं उसे दोष भी नहीं दे सकता था। वो इस अजनबी पर यकीन कैसे कर सकती थी जबकि मैं खुद ही खुद पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। मेरे बारे में एक नज़र देखने पर कुछ भी स्पेशल नहीं था। मैं किसी भी दूसरे स्टूडेंट की तरह ही था। भूरी आंखें, घिसे पिटे स्टाइल वाले काले बाल, भीड़ में खड़ा होने पर मैं आराम से लोगों के भीड़ में खो जाऊंगा। कस्तूरी से उलट, मिराया कमाल के इंटीरियर डिज़ाइनर। उसने मुझे नीचे आने का इशारा किया, लेकिन मैं बस एक सीढ़ी उतर कर रुक गया। मैं खुशकिस्मत हूँ कि ये इतनी दूर से मेरे पास आई है। यह हमारा घर रेनोवेट करवाने में हमारी मदद करेगी। इसका जादू देखने के लिए मैं बेताब हूँ। रेनोवेशन? मैं पूछने से खुद को रोक नहीं पाया। हाँ, ओह क्या मैं तुम्हें बताना भूल गई? कस्तूरी हंसने लगी। मैं बहुत बिजी थी, शायद इसलिए दिमाग से निकल गया होगा। शायद, मैं आधे मन से मुस्कुराया। हम कुछ बदलाव करने वाले हैं और मिराया रूम के डिज़ाइन में मेरी मदद करने वाली है। चौड़ी मुस्कान से उसकी आँखें मीच जाती थी। मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि वो मुंबई से यहाँ मेरी मदद करने आई है। यह रंगों में मेरी पसंद से हैरान है, तो क्या प्लीज़ तुम हम दोनों में सुलह करवाओगे एक कप कॉफ़ी पीते हुए? मुंबई शब्द मेरे मन में अटक गया। मैंने खुद को आगे कुछ कहने से रोका। वही सब पुराने ख्याल, पछतावा वापस से मेरे मन पर हावी होने लगा था।
कस्तूरी के शब्द अब मुझे सुनाई नहीं पड़ रहे थे। मैंने अपने भावनाओं में खुद को गूंगा बहरा महसूस कर रहा था और तेज चमकता सूरज मेरे असहजता को और बढ़ा रहा था। रेलिंग पर मेरे हाथों की पकड़ ही मुझे गिराने से रोक कर खड़ा रहने में मदद कर रही थी। मेरी भौहें तन गई थी और वो झूठी मुस्कान भी मेरे होठों से चली गई थी। क्या क्लास की वजह से मैं इतना थक गया था? नहीं, ये सब मेरे मन में उठी तूफान की वजह से था। मैं अब भी प्लेटफॉर्म नंबर 2 की बेंच से चिपका हुआ अपने जवाब का इंतजार कर रहा था। क्या तुम आ रहे हो? सॉरी, पलक झपक कर उस मुझे कस्तूरी की वही मुट्ठी मुस्कान दिखाई दी। क्या तुम अपनी पढ़ाई में बिजी हो? आंखों का धुंधला हटाते हुए मैं जबरन मुस्कुराया। हाँ, फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी, मैं थक गया हूँ। मैं फिर से चुप हो गया, अपने पैरों की लड़खड़ाहट को संभाल कर कुछ और कहने की कोशिश करते हुए। वहाँ कस्तूरी की बात करने के मूड में थी। ओह, मैं पूछना भूल गई, तुम्हारी मम्मी की तबीयत कैसी है? वो अभी भी अपनी कजिन और मुझसे बातें करने की कोशिश कर रही थी। वो बीमार थी ना? हाँ थी। तो मैं सिर हिलाकर रेलिंग से टिक गया। हल्का सा जुकाम था, मैं उन्हें बता दूंगा कि तुमने हेलो बोला है। मैं मिराया को भी उनसे मिलवाना चाहती हूँ। उसने सिर हिलाकर अपने कजिन की भी बातचीत में शामिल होने का इशारा किया, लेकिन वो कंधे उचकाकर दूसरी तरफ देखने लगी। आज तुम्हारी क्लास कैसी रही? थकाऊ, मैंने आह भरी। नंबर और ऑडिट मेथड की इंफॉर्मेशन से भरी। कस्तूरी ने अपना मुंह बनाया। यक, कितना झुंझुलाहट वाला होता है ये सब। तुम तो सोच भी नहीं सकती। मैंने आसमान की तरफ देखा, शायद इस तरह से मैं खुद को भुलावे में रख पाता। वह रुकी मेरे तरफ से मिराया को देखते हुए, लेकिन हम दोनों फिर से खामोश रहे। अपना हाथ हिप पर रखते हुए उसने फिर से बात शुरू करने की कोशिश की। बाइक से घर तक का सफ़र बढ़िया था? शायद। एक बार फिर से मेरे ख्याल मेरे शब्द पर हावी हो गए। ठीक है सॉरी, कहने का उसका अंदाज मुझे मम्मी की याद दिला रही थी। तुम बुरी तरह से थके हुए लग रहे हो, आराम करने के लिए मुझे तुम्हें अकेला छोड़ देना चाहिए। शायद अपने मम्मी का जुकाम तुम्हें हो गया। मन ही मन मैं बुदबुदाया, काश मैं उतना खुशकिस्मत होता। क्या कहा तुमने? उसकी आंखें फैल गई। कुछ नहीं। उफ, मीरा की आवाज़ में हमारा ध्यान सीढ़ियों से नीचे की तरफ खींचा। क्या तुम कभी मुंबई गए हो? तुम्हारा चेहरा जाना पहचाना लगा। मैंने पलकें झपकाई। नहीं, मैं कभी मुंबई नहीं गया। मुझे यकीन है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है, मिराया ने जोर दिया। मेरे होठ भीग गए। मेरे दिल का दर्द अब मेरे सपनों की बर्बादी बार बार नहीं सुनना सकता था। और सबसे ख़राब तो यह होता है कि हर बार एक एहसास के साथ मेरा बोझ बढ़ता जाता है। फीकी मुस्कान के साथ मैंने उसकी तरफ हाथ हिलाया और सीढ़ियाँ चढ़ती शुरू कर दी। मिराया ने सिर हिलाकर मेरी जैसे ही फीकी मुस्कान दी। मेरा थकान मुझे दरवाजे की तरफ खींच रहा था। मैं कुछ देर अकेला रहना चाहता था। दरअसल सच पूछो तो इतनी कायरता के साथ मैं अकेला ही रह सकता था। अपनी जेब में मैं दरवाजे की चाबी टटोलने लगा। उसे खोलते हुए मुझे कस्तूरी और मिराया के आपस में बात करने की धीमी आवाज़ सुनाई दी। नीचे देखने पर मेरी नज़र मिराया से नज़र से टकराई। उसे शायद मुझे पूरा भरोसा था कि उसने मुझे कहीं देखा है, शायद किसी दूसरे जन्म में या जहां मैं सच में मुंबई की ट्रेन पर चढ़ पाया हूँगा। मेरे सीने में दर्द बढ़ने लगा था और मैं दरवाज़ा खोल कर अंदर घुस गया। पीछे से दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ ने मुझे थोड़ा चैन दिया और उसके सहारे टिक कर मुझे नींद आने लगी और शायद इस तरह इस बुरे दिन का अंत हो सकता था।